नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विधायकों और एमएलसी के वेतनों में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार में कैबिनेट की बैठक में जो सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ट्वीट के बाद लगातार जब जब कैबिनेट का बैठक हुआ है, तब तब इस बात के उम्मीद में रहे हैं कि कैबिनेट के बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब से वे ट्वीट किए हैं, तीन कैबिनेट निकल चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक सातवें चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही इससे जुड़ी कोई कैबिनेट में प्रस्ताव मिल रहा है और ना ही स्वीकृति मिल रही है। लेकिन नए शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी, ऐसा कल कैबिनेट में फैसला लिया गया है। जी हाँ, नए शिक्षकों की बहाली पर कल कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। आगे की चर्चा में हम आपको विस्तृत खबर बताते हैं कि कल कैबिनेट में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई और मुहर लगी है। आपको बताएं कि बिहार में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति की नियमावली पास नहीं हुई। पिछले डेढ़ महीने से शिक्षक नियुक्ति नियमावली पास होने की चर्चा हो रही है। वैसे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठकों में विधायक और विधान पार्षदों के वेतन भत्ते में वृद्धि करने का फैसला जरूर लिया गया है। विधानमंडल का सत्र होने के कारण सरकार ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए गए। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ते में 25,000 से 30,000 की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 4 महीने पहले ही सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों का वेतन भत्ता बढ़ाया था। पिछले साल नवंबर महीने में नीतीश सरकार ने विधायकों विधान पार्षदों के वेतन भत्ते के साथ पूर्व विधायक को पेंशन और यात्रा भत्ते में इजाफा किया है। नवंबर महीने में सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ते में लगभग 25,000 रुपये का इजाफा किया। वहीं उन्हें सालाना 4,00,000 रुपये का रेलवे और हवाई यात्रा कूपन देने का भी फैसला किया। विधायकों और विधान पार्षदों को गाड़ी खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि में भी भारी इजाफा हुआ, उन्हें 25,00,000 रुपये दिया गया है। अब एक बार फिर सरकार ने उन्हें तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में कल जो थे वो कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने पद पर तैनात रिटायर्ड IAS अधिकारी दीपक कुमार की सेवा बढ़ा दी। दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे मार्च 2021 में। रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव भी बनाया गया था। अब देखिए, नए शिक्षकों की बहाली होगी। आपको बताएं कि बहाली प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से लगातार चल रही है, उसमें अब 7,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार 7,000 नए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक में फैसला लिया गया है। राज्य कैबिनेट बैठक में पद सृजन की स्वीकृति दी है। ये शिक्षक जो है वो विशेष तौर पर बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब देखिए, बिहार में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के लगातार बहस चल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दे दिया कि हमने नियमावली पर मुहर लगा दी है, अब बस कैबिनेट का इंतजार किए। लेकिन उनके इस बयान के बाद तीन कैबिनेट निकल चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो देखते हैं क्या होता है। कैबिनेट पर कैबिनेट निकल रहे हैं, शिक्षा मंत्री लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बहाली प्रक्रिया आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।